एक क्वेश्चन हमेशा ये आता है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ इनोवेशन डिसरप्शन विद इन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंपनी के कल्चर के अंदर इनोवेशन और डिसरप्शन का कल्चर कैसे लाएं। पहली बात तो इनोवेशन और कल्चरल कल्चर इनोवेशन एंड डिसरप्शन जो है ये सिर्फ लीडर लोग करते हैं। तो तीन टाइप के लोग होते हैं कंपनी के अंदर, एक होता है एंटरप्रेन्योर, लीडर, मैनेजर। एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना, लीडर का काम है ट्रांसफॉर्मेशन लाना और मैनेजर्स का काम है डेली कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना। बहुत ऐसे में ये गलती कर बैठते हैं जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि जो इनोवेशन है और डिसरप्शन है वो मैनेजर करेगा। मैनेजर डेली कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा हुआ है, वो रोज़ के कामों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, रोज़ के लफड़ों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो अगर जो चल रहा है उसी को चला लेवे तो बहुत बड़ी बात है, जो चल रहा है उसको थोड़ी बढ़िया तरीके से चला लेवे तो बहुत बढ़िया बात है। तो अपने पास मैनेजर्स होने चाहिए, तो आपका जो भी अकाउंट्स के एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर एक मैनेजर है, वो अपना रोज का काम करते रहे। अपना सेल्स के बंदे उसके ऊपर मैनेजर है, वो अपना रोज का काम करते रहे। अपना परचेस के एग्जीक्यूटिव से उसके ऊपर मैनेजर है, वो अपना काम करते रहे। तो इंडिपेंडेंटली सिस्टम को फॉलो करते हुए सभी चीज़ का सिस्टम डाल दो, तो सभी डिपार्टमेंट में सिस्टम है, सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए मैनेजर लोग वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं एग्जीक्यूटिव, ये देखते हैं और ज़िंदगी मस्त चलती है। लेकिन जो डिसरप्शन है, जो नया टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन लाना है, जो एकदम नया कांड जिसको करना है, वो एक ऐसा आदमी के हाथ में होना चाहिए जो फ्री बैठा है, जिसके पास और कोई काम धंधा ही नहीं, वो हमेशा सोच रहा है अगला प्रोडक्ट कौन सा है, अगला इनोवेशन कौन सा है, अगला डिसरप्शन इंडस्ट्री में क्या ला सकते हैं, अगला इंडस्ट्री में कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, कंपटीशन को स्टडी कर रहा है, सब्स्टिट्यूट क्या आता है वो स्टडी कर रहा है, वेंडर्स क्या कर रहे हैं वो स्टडी कर रहा है, और कंपनी क्या कर रहा है वो स्टडी कर रहा है, और अपनी कंपनी क्या कर रहा है वो स्टडी कर रहा है। वो पीसफुली बैठा है और वो लीडर है और उसके पास बहुत फुर्सत और टाइम है और वो इनोवेशन ला सकता है, ये काम मैनेजर्स का है ही नहीं। अब वो इनोवेशन जो थॉट है वो लेके वो अपना एंटरप्रेन्योर के पास जावे और वो बताए कि मेरे अपने ख्याल से अपने को ये कंपनी में ना सर ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगला बड़ा कांड होने वाला है। तो वो कांड का फंडिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर लाएगा, लेकिन वो कांड क्या होगा ये लीडर का काम है। देयरफॉर मैं बोलूँगा, एक होता है सेंटर ऑफ प्रॉफिट जिसमें मैनेजर्स हैं जो रोज का काम देखते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो ये सोच रहा है कि चीज़ जो चल रही है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रोथ जिनका काम है अगला प्रोडक्ट कौन सा, अगला कांड कौन सा, अगला इनोवेशन कौन सा, अगला डिसरप्शन कौन सा। तो एक है सेंटर ऑफ प्रॉफिट, ये सब मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आज का कंपनी को संभाल रहे हैं, इनका सोच खाली 0 to 12 महीना, अप्रैल टू मार्च। और एक जो डिपार्टमेंट है जो सेंटर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ये जो डिपार्टमेंट है नया जो चल रहा है उसको बढ़िया और कैसे बनाया जाए, उसको और एक्सेलेंट कैसे बनाया जाए। तो ये लीडर्स लोग होते हैं और इनका काम है कि जो सेंटर ऑफ प्रॉफिट में काम चल रहा है उसको और बढ़िया फास्टर कैसे करें, बेटर कैसे करें, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, स्पीड कैसे इंप्रूव करें, ये इनका काम है। तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, ये आज का काम कर रहा है, ये सोच रहा है कि इसको कैसे सुधारे, ये डिपार्टमेंट को कैसे। और ये जो होता है ग्रुप ऑफ लीडर, सेंटर ऑफ ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगला प्रोडक्ट कौन सा, अगला डिसरप्शन कौन सा, अगला इनोवेशन कौन सा, और वो सब घूमते रहते हैं एग्जीबिशंस में, साइंटिफिक एग्जीबिशंस, बाकी वो पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बिजनेस सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेंस करते हैं। इनका एक सेंस, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अलग होता है, वो मार्केट को सेंस करते हैं और उसके हिसाब से वो इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसको पैसा जो लगेगा, उसको जो एंडोर्समेंट लगेगा कि आइडिया को लेके भागना है, ये तो एंटरप्रेन्योर जो ऊपर बैठा, तो एंटरप्रेन्योर ऊपर बैठा है सेंटर ऑफ ग्रोथ, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ प्रॉफिट। ये लोग रोज का काम देख रहे हैं, ये रोज का काम को सुधारने का काम देख रहे हैं, और ये जो है सेंटर ऑफ ग्रोथ वो अगला बड़ा इनोवेशन और डिसरप्शन देख रहा है, और एंटरप्रेन्योर ऊपर बैठ के सेंटर ऑफ ग्रोथ वाले के साथ काम करके उसको एंडोर्स करता है कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना है, नया क्या करना है,
और उसको फंड करता है एंटरप्रेनर, और उसके लिए जो टीम लाना है, उसके लिए जो नया काम करना है, उसके लिए जो अभी का जो डी रिस्किंग करना है, वो सब काम जो है वो एंटरप्रेनर करेगा। सो ये कल्चर ऑफ इनोवेशन ऐसे ही आता है, और सेंटर ऑफ ग्रोथ फिर वो चीज़ लेके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को और सेंटर ऑफ प्रॉफिट को बोले अब ये नया करने वाले, ये इस तरह से इनोवेशन हो रहा है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगेन उसमें वो चेंज प्रोसेस आ जाएगा कि उनसे वो करवाना, क्योंकि उनका तो अभी सेंटर ऑफ प्रॉफिट वाले तो सेट हो गए, उनका काम करने का तरीका सेट हो गया, अब वो इनोवेशन वाला और डिसरप्शन वाला नया काम लाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, अगेन वो लीडर लोग का काम है। तो लीडर्स ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजर्स मैनेज डेली कॉम्प्लेक्सिटी, एंड एंटरप्रेनर टेक्स द रिस्क। आपका काम है रिस्क लेना, आपके पास लीडर्स होने चाहिए, लेकिन आपके पास मैनेजर्स है और आप सोच रहे हो मैनेजर्स ने लीडर है, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो लीडर जो है उसके पास सिवाय ट्रांसफॉर्मेशन को और कोई काम नहीं होता। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।